हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं अब तक का सबसे हॉट बोल्ड एंड सेक्सी शो न्यूज एंड मोर, जहां आपको एंटरटेनमेंट के साथ मिलेगी देश और दुनिया की बड़ी खबरें। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर साधा निशाना। एक लीडिंग न्यूज़पेपर की खबर के मुताबिक शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर कोई कहता है कि 5 करोड़ रुपए देकर इंडस्ट्री में पाकिस्तानी कलाकारों को ले सकते हैं तो ये देशभक्ति नहीं है। इससे पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा था कि पाकिस्तानी कलाकारों को लेने वाले प्रोड्यूसर्स को सेना राहत कोष में 5 करोड़ रुपए देने होंगे। आपको बता दें कि राज ठाकरे की इस बात से खुद इंडियन आर्मी भी खुश नहीं है। आर्मी का कहना है कि उन्हें भीख की जरूरत नहीं। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पंजाब में ड्रग्स के बारे में क्या कहा। आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में होने वाले चुनावी रैली के दौरान कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल को दिया गया हर एक वोट इनडायरेक्टली ड्रग्स के बिजनेस में जाएगा। केजरीवाल ने ये बात इसलिए कही क्योंकि 2017 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी के सपनों की सैटेलाइट के लॉन्च में हुई देरी। इसरो के साथ मिलकर पीएम मोदी ने 2 साल पहले एक सैटेलाइट की घोषणा की थी जिसे इस साल लॉन्च होना था, पर अब सैटेलाइट GSLV Mark 3 लॉन्च में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि अभी तक इस पर होने वाला काम पूरा नहीं हुआ है। इसलिए अब इस सैटेलाइट को दिसंबर के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने का ऑफर साल 2014 के SAARC सम्मेलन में पास किया गया था। पीएम मोदी ने इसे देश हित के लिए किया जाने वाला काम बताया है। आज के शो में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ एंड मोर।